सो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर आपको हम बताने वाले हैं कि दोस्तों आप फ़ोन से सिम में नंबर कैसे कॉपी कर सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना है। तो यहाँ पे दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ अपने मोबाइल के कॉन्टेक्ट में, ठीक है। कॉन्टेक्ट में जाने के बाद यहाँ पर अब आपको देखने को मिल रहा है मेरे पास एक भी कॉन्टेक्ट, नो कॉन्टेक्ट दिस अकाउंट, है ना, यानी कि एक भी मोबाइल नंबर यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। तो अब हमें करना क्या होगा, यहाँ पर नीचे की ओर एक ऑप्शन मिल रहा है फिक्स मैनेज, फिक्स मैनेज पे जाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन है, जैसे मैनेज है, फिक्स, इंपोर्ट फॉर्म और इंपोर्ट फ्रॉम फाइल और रीस्टोर कॉन्टेक्ट, ट्रांसफर, एक्सपोर्ट और यहाँ पर सेटिंग। तो अब हमें दोस्तों सिंपली इन एक एक को हटा देना है। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, हमें रीस्टोर कॉन्टेक्ट पर क्लिक कर देना है। रीस्टोर जैसे कॉन्टेक्ट पर आप क्लिक करते हो, यहाँ पे आपको सारे जीमेल और फ़ोन के कॉन्टेक्ट देखने को मिले हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आपके सामने मेरे कॉन्टेक्ट स्कैन कर रहा हूँ मैं, तो इस पर कर लूँगा क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो 211 कॉन्टेक्ट है मेरे पास। तो रिव्यू इनपुट इस वाले आइकन पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है दोस्तों, ये नीचे इंपोर्ट फ्रॉम सिम, अब इनको सिम में लेने वाले हैं हम। इस पर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपकी आंखों के सामने ये एक लाइन सी दोस्तों आपके सामने चलती हुई दिखाई दे रही है। तो इसको भरने तक काम कर लेते हैं वेट। जैसे ये भरती है तो अब आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल रहा है 211 कॉन्टेक्ट इंपोर्ट टू जीमेल, ठीक है। अब इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ बैक। बैक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो मेरा 211 कॉन्टेक्ट यहाँ पर आ चुके हैं। तो आई होप कि गाइज इस तरीके से आप भी आपके फ़ोन से सिम में कॉन्टेक्ट ला सकते हो। अगर ये आपको वीडियो वाकई में अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, वंदे मातरम।